हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। आपको ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक होता है भाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरा होता है अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें हम एक से भाग दे सकते हैं, जिसमें एक से भाग लग सकता है और स्वयं संख्या से भाग लग सकता है और उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग सकता है, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 जो है, 9 में हम 9 से भाग लगा सकते हैं, 1 से भाग लगा सकते हैं, इसमें हम 3 से भी भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 में भी हम 4 से भाग लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं। फिर 6 में भी वैसे ही 6 से लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब संख्या, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 में हम सिर्फ 2 से भाग लगा सकते हैं या फिर 1 से भाग लगा सकते हैं, बाकी और किसी भी संख्या से 2 में भाग नहीं लग सकता है। वैसे 3 और 5 भी है, 3 में भी हम सिर्फ 3 से भाग लगा सकते हैं या फिर 1 से लगा सकते हैं। फिर वैसे इन सभी संख्याओं में है, तो ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अर्थ उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, जैसे कि ये संख्या 9 है, ठीक है, 9 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे आप? तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 का एलसीएम ले लेंगे या फिर 9 के ऐसे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ेंगे जिससे उसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ संख्याओं का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया, जैसे कि ये 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा है, तो 12 में आप क्या करेंगे, 12 में आप 2 से भाग देंगे, 2 × 6 = 12 हो गया, फिर ये 2 × 3 = 6 हो गया। अब इसके अलावा अब यहाँ पे हम भाग नहीं दे सकते, 3 में भी अगर भाग लगेगा तो सिर्फ 3 से लग सकता है या फिर 1 से लग सकता है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3, तो यही हो गया, मतलब इतना छोटा संख्या हो गया, लेकिन इस संख्या को जो हमने तोड़ा ये सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये आ गया। देखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे आया, यहाँ पे 2 है 2 है फिर 3 है, तो अब इन सभी संख्याओं में 2, 2 या फिर 3 में हम और किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, जो है इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। फिर 24 है तो इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, 2 और 3 में तो हम किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि 24 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है, अब हम इसमें और भाग नहीं दे सकते। 42 है, इसको भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने कैसे व्यक्त किया, इसका हमने एलसीएम लेके व्यक्त किया। हमने पहले संख्याओं का एलसीएम लिया, उसके बाद इसका जो फैक्टराइजेशन आया वही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यही चीज होता है अभाज्य गुणनखंड। और सीएफ एलसीएम निकालने के लिए आप जानते ही होंगे, ये पहले छोटे क्लास में पढ़ते थे, एलसीएम हम इसी तरीके से निकालते हैं। और एलसीएम जो है वो भाग विधि से निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो इन सभी संख्याओं का आपका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर में है 140, तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। हमने इस संख्या को लिखा और इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम खिलाते हैं, सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा और ये 0 = 70 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 35 में हम 5 से भाग देंगे, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो इसका क्या निकला, 2 × 2 × 5 × 7, 140 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसका निकला 2 × 2 × 5 × 5 × 7। ठीक है, अब इसको आप छोटा करके ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि 2 जो है 2 बार है, तो 2 को आप 2 पर आप 2 पावर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 बार रहता तो 3 पावर लगा देते, 4 बार रहता तो 4 पावर लगा देते, लेकिन 2 2 बार है तो यहाँ पर हम 2 पावर लगा सकते हैं। गुना
पांच और सात एक ही बार है, यानी कि इन दोनों पर एक एक पावर है, तो एक पावर हमें दर्शाने का जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ वैसे ही हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, पांच गुना सात, टू स्क्वायर इंटू फाइव इंटू सेवन, यह हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका यही वाला आ गया। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, टू स्क्वायर इंटू फाइव इंटू सेवन, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा है 156, तो इसका भी हम वही करेंगे, इसका भी हम एलसीएम पहले ले लेंगे, तो सेकंड नंबर में भी हम वैसे ही करेंगे, इसका भी क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के आपका इतना आएगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 156 में हमने सबसे छोटी संख्या दो से भाग दिया, ठीक है, तो 78 आया, फिर 78 में हमने दो से भाग दिया तो 39 आया, वैसे फिर हमने 39 में तीन से भाग कर दिया तो 13 आया। वैसे आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते थे, क्योंकि हम 13 में भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आएगा, एक ही आएगा, 13 में हम या तो एक से भाग दे सकते हैं या फिर 13 से भाग दे सकते हैं, तो 13 में हमने 13 से भाग दिया तो एक, तो यहाँ पर इसको गुणा करने के बाद वही आएगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है, और एक को हम नहीं लिखते हैं, एक को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उतना ही आता है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 बार है, ठीक है, 2 2 बार है तो इसलिए हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 एक ही बार है तो गुना 3 करेंगे, फिर 13 13 भी एक ही बार है तो यही हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 2 स्क्वायर × 3 × 13, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में भी हमने यहाँ पर वैसे ही किया है, 3825 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इतना इतना आपका निकल के आया है। एलसीएम लेने के लिए आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम एचसीएफ ये आपको छोटे क्लासों में ही बताया जाता है, छोटे क्लासों में ही पढ़ाया जाता है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना जानते ही होंगे आप लोग, तो मैंने यहाँ पर आपको एक एलसीएम निकाल के पहले ही दिखा दिया था क्वेश्चन नंबर वन का, एंड सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इसका ले लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद आपका इतना गुणनफल आया है तो इसको हम सबको लिख लेंगे, 3 × 3 × 5 × 17 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 17 एक ही बार है यानी कि 17 पे एक पावर है, तो एक पावर को तो हम दर्शाते नहीं है तो इसलिए 17 को हम यहाँ पर 17 ही लिख देंगे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। पर देखिए 5005 है, ठीक है, इसमें भी हमने इसका एलसीएम पहले ले लिया, 5005 है तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आया, देखिए हमने 5005 में 5 से भाग दिया तो 1001 आया, फिर 1001 में हमने 7 से भाग किया तो 143 आया, फिर 143 में हमने 11 से भाग किया तो 13 आ गया, ठीक है। फिर 13 में हम या तो 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 13 से दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 से भाग देते तो यहाँ पे 13 आता है, यहाँ पे हमने 13 दिया तो 1 इसका भागफल आया है, मतलब ऐसी संख्या से आपको कटाना है जिससे कि ऐसे किसी भी संख्या से आपको कटाना है जिससे कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो 13 जो है या तो 13 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो यहाँ पे हमने 13 से कटा दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल क्या क्या आया है, 5 × 7 × 11 × 13 यही आया है, तो इसमें कोई भी संख्या जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी दोबारा या तिबारा नहीं है, सारी संख्याएं सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यही आ जाएगा, इसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सारी संख्या एक ही बार है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए इसमें भी वैसे ही है, 7429 है, इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका इतना आया, ठीक है, इसमें हमने पहले 17 से भाग किया तो 437 आया, फिर 437 में हमने 19 से भाग किया तो 23 आ गया, फिर 23 में हमने 23 से भाग दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका क्या आ गया आपका 17 × 19 × 23। 1 को हम गुना नहीं करते हैं क्योंकि 1 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 17 × 19 × 23, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सभी में दो दो संख्याएं हैं, इसका आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और इसका एलसीएम भी हमें ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये आपको जांच करना है, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर दो संख्या है, 26 है और 91 है, तो दोनों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए 26 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो उसी विधि से हम करेंगे। देखिए ये दो, दो से हम 26 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 26 फिर बराबर 2 × 13 लिख सकते हैं। 13 में अगर हम भाग देंगे तो इसमें या तो हम 1 से भाग दे सकते हैं या फिर हम 13 से भाग दे सकते हैं, तो फिर भी वही चीज आएगा। देखिए अगर हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे, 2 × 13 ही लिखेंगे, 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 को गुना करने से वही आ जाएगा। तो 26 का हो गया 2 × 13, फिर यहाँ पर आपका 91, ठीक है। तो 13 से हम 91 में भाग देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ 91 बराबर लिख सकते हैं 7 × 13 या फिर 13 × 7, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका HCF और हमें क्या निकालना है, LCM, यही दोनों चीज़ निकालना है। तो HCF में हम क्या करते हैं, देखिए HCF में हम सिर्फ उसी संख्याओं को लिखते हैं जो कि दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, 26 में भी 13 आ रहा है, 26 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें भी 13 आ रहा है, और 91 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें भी 13 आ रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ 13 ही कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो भी कॉमन रहता है उन संख्याओं को हम लिखते हैं, तो जो भी कॉमन आता है दोनों में उसको हम HCF मानते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों 13 जो है इन दोनों में आ रहा है, तो 13 इसका HCF हो गया। अगर दोनों में और भी कोई संख्या आता, जैसे कि मान लीजिए कि इन दोनों में 2 भी आता, ठीक है, दोनों में अगर 2 रहता तो 2 को हम यहाँ पर लिख देते गुना करके 13 × 2, फिर जितना होता गुना करके उतना हम लिख देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इसलिए हम यहाँ पर HCF में सिर्फ 13 ही लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए LCM हमें निकालना है, LCM कैसे निकालते हैं, जो संख्या इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो संख्या इन दोनों में कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही LCM में, और जो इन दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। जैसे कि इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो हम दोनों को लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन आता है उसको तो हम एक ही बार लिखते हैं LCM में, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको तो एक एक बार लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 दोनों में आ रहा था, 13 हमने एक बार लिख दिया, और ये 2 और 7 इन दोनों में आ रहा है, एक एक बार ही आ रहा है, तो इसलिए 2 × 7 हमने लिख दिया। अब इसको गुना करके आप लिख सकते, तो जब आप इन सबको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 182, ठीक है। HCF आ गया आपका 13 और LCM आ गया आपका 182, ठीक है। अब इसको आपको जांच भी करना है, आपको जांच करके बताना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जांच करिए, तो जांच हम कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन सा, मतलब ये जो दोनों संख्या दिया गया इसी दोनों संख्या के बारे में बोल रहा है, 26 और 91 दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल यानी कि यही दोनों संख्या 26 × 91 बराबर HCF गुना LCM। देखिए HCF गुना LCM, दो संख्या तो यही है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है ये दोनों संख्या। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ये आपको जांच करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों संख्या को गुना करके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। तो 26 और 91 ये तो हम ऐसे ही अभी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और HCF कितना है आपका, 13 है। LCM कितना है, LCM कितना है, 182, ठीक है। 26 × 91 करेंगे, 26 × 91 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366। 13 × 182 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2366, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। यानी कि जब हम इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो इसका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो इसमें भी हमें वही करना है, पहले HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो 510 का LCM हम निकाल लेंगे, ठीक है। 510 और 92 का अलग अलग हम LCM लेंगे, यानी कि इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। LCM विधि से
जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और तब जाके हम उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो 510 का कर रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या से पहले हम भाग देंगे, तो 2 से हम जब इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 255 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के बाद हम 5 से देते हैं, 5 से देंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। फिर 51 में हम 3 से देंगे तो आपका हो जाएगा 17, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें भी हम पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो हम 2 से देते हैं, 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 46। फिर हम इसमें 2 से देते हैं, 2 × 4 2 × 3 = 6 23 हो जाएगा, अब भाग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या क्या गुणनफल आया है, 92 का आया आपका 2 × 2 × 23, ये आ गया आपका 92 का। और 510 का क्या आया है, 510 का आया 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है, ये आया है। अब देखिए 92 का आया है आपका 2 × 2 × 23, तो 2 × 2 है, 2 × 2, इस पर मतलब इसको हम 2² लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 × 23 लिख सकते हैं। अब इसमें जो है, इसमें क्या है, देखिए इसमें सब एक ही बार है, इसमें कोई दोबारा नहीं है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन जो सबसे छोटा होता है वो आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। देखिए 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 2 पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 पर पावर कितना है, 1 ही है, 1 बार 2 है, यानी कि उस पर पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर पावर 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। देखिए 2 इन दोनों में मिल रहा है, 92 में भी 2 आ रहा था और 510 में भी 2 आ रहा था जब हमने इसका गुणनखंड किया, तो इसमें आपका 2 पर पावर 2 है, इसमें 2 पर पावर 1 है, तो जिसका पावर छोटा है वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। अगर और भी कुछ इसमें मिलता, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 3 कॉमन आता, 3 यहाँ भी है और इसमें भी 3 रहता, अगर इसमें 3 दो बार रहता और इसमें 3 एक ही बार रहता, तो क्या हो जाता, जिसका पावर छोटा होता वो आपका, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपका एचसीएफ 2 हो गया। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एलसीएम में हम क्या करते हैं, जिसका घात बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं, तो 2 तो दोनों में आ रहा है तो उसको तो हम लिखेंगे, 2 दोनों में आ रहा है लेकिन जिसका घात बड़ा है उसको हम लिखेंगे, तो 2 पर पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 पर पावर यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब गुना, अब जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए 2 का काम तो खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहा था और इस दोनों में जिसका घात बड़ा था उसको हमने लिख दिया। अब 2 के अलावा जो बच गया उसको अब लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या बचा है, 5 × 3 बचा है, 17 बचा है, उसके बाद इसमें 23 बच गया है, ठीक है। 2 का कोई काम नहीं, 2 कॉमन आ रहा था दोनों में, तो जिसका घात बड़ा था उसको हमने एलसीएम में लिखा, छोटे घात वाले को हम एचसीएफ में लिखते हैं और बड़े घात वाले को हम एलसीएम में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 23,407, इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम ये तो आपका निकल चुका है, एचसीएफ आपका निकल गया, एलसीएम भी आपका निकल गया। अब आपको इसका जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ है या नहीं है। 2 संख्या क्या है, 2 संख्या है आपका, आपका 2 संख्या क्या है, 510 × 92, ठीक, और एचसीएफ गुना एलसीएम 510 × 92, ये 2 संख्या है, और इसको हम, इसको गुना करने के बाद उसका गुणनफल कितना आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, मतलब ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। देखिए 510 × 92 गुना एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम कितना आया, 23,460 आया। तो कहने का मतलब ये है कि इधर यानी कि एलएचएस, इसको आप मान लेंगे एलएचएस, ठीक है, और ये हो गया आपका आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 510 × 92 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 46,920, और इसको भी जब आप गुना करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को जब आप गुना करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है, 46,920 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, यानी दोनों साइड बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। तो यही चीज आपको जांच करना था और यही चीज आपको प्रूफ करना था, तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, आपने दोनों साइड का जांच कर लिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपको 336 और 54 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमने साइड में हमने यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड किया और 54 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करते हैं कि 336 का देखते हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 × 2 × 2 × 2 चार बार 2 है, और क्या है उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, और 1 को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 को गुणा करने से उतना ही आता है, तो ये 336 का गुणनखंड हो गया। अब इसको हम सॉर्ट करके थोड़ा लिख लेते हैं, तो 2 चार बार है तो 2 पर पावर 4 लिख लेंगे गुना 3 गुना 7, ये हो गया 336 का गुणनखंड। उसके बाद 54 का लिखते हैं, तो 54 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3, तो इसको भी हम सॉर्ट करके लिख लेंगे 2 × 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ तो मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम लिखेंगे, लेकिन उसको हम कैसे लिखते हैं, एचसीएफ में हम उसको लिखते हैं जिसका पावर छोटा होता है। देखिए यहाँ पर 2 तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, इस पर यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 है और इसमें 2 पर पावर 1 है, ठीक है, इसमें 3 भी आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है, यही कॉमन आ रहा है। 336 का जब हमने गुणनफल किया तो 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 ये आया है, और 54 के गुणनखंड में आया 2 × 3 पर पावर 3, तो 2 इस दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, ठीक है, लेकिन पावर छोटा किसका है, 2 में, यहाँ पर 336 में आप देख सकते हैं कि 2 पर पावर 4 है और 54 में 2 पर पावर 1 है, इसका पावर छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 लिखेंगे गुना, और इन दोनों में 3 तो दोनों में है लेकिन पावर छोटा किसका है, इसका है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे 3, 2 × 3 = 6, ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, एलसीएम सेम में हम क्या करते हैं, जिस संख्या दोनों में कॉमन आता है उसको तो हम लिखते हैं, लेकिन जिसका पावर बड़ा होता है उसको हम एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ में हम छोटे पावर वाले को लिखते हैं, एलसीएम में हम बड़े पावर वाले को लिखते हैं, तो बड़ा पावर किसका है, इसका है 2 पर पावर 4 गुना, इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 का काम खत्म हो गया, अब 3 का लिखना है, तो 3 दोनों में आ रहा है लेकिन पावर बड़ा किसका है, इसका है 3 पर पावर 3, तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 लिखेंगे। उसके अलावा जो बच जाता है, जो कि कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, उसको भी हम लिखते हैं, तो 7 जो है, 7 यहाँ पर तो है पर इसमें 7 नहीं है, मतलब ये 7 जो है ये कॉमन नहीं है, लेकिन इसको भी हम इसमें एलसीएम में लिखेंगे। अब इन सबको आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 3024। ठीक है, एचसीएफ हो गया आपका 6 और एलसीएम हो गया आपका 3024। अब इसको आपको जांच भी करना है, तो जांच हम यहाँ पर कर लेंगे, तो 2 संख्या कौन कौन सा है, 336 × 54 और एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ है आपका 6 और एलसीएम है 3024, तो 336 × 54 करेंगे तो आ जाएगा 181.44। ठीक है, ये आ गया आपका, और इधर भी उतना ही आएगा, दोनों साइड आपका बराबर ही आएगा, यानी ये दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको वैसे ही उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं थी लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में 3 संख्याएं दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला संख्या है 12, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से देते हैं, 2 × 6 = 12 हो गया, और ये हो गया आपका 2 × 3 = 6। ठीक है, ये हो गया 12 का। 15 का करते हैं, 3 से इसमें भाग देते हैं, 3 × 5 = 15, इसमें भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम 21 से देते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 से देते हैं, 3 × 7 = 21, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर गुना 3 लिख देंगे, ये हो गया 12 का। फिर आपका है ये 15, 15 का हो गया आपका 3 × 5 हो गया आपका 3 × 5, ये हो गया 15 का। और 21,
21 का हो गया आपका 3 × 7। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। पहले तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों में देखेंगे कि कौन सा चीज कॉमन आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है। तो ये देख सकते हैं इसमें तीन जो है इन तीनों में है, तीनों में है जो है ये कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे, ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जो चीज कॉमन आ रहा है उसको तो हम लिखेंगे ही। अब तीनों में एक एक ही पावर है, तो तीनों बराबर ही है, सब में एक एक पावर ही है, तो इसको हम 3 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वो तीनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद 2 जो है वो किसी में कॉमन नहीं आ रहा है, 2 पर पावर 2 है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। मतलब जो अब बच गया है, जो बच गया है उसको हम अब लिख देंगे 3 × 2 पर पावर 2 गुना, अब इसमें क्या क्या बच गया, 5, एक में 5 बचा है और एक में 7 बचा है। तो अब इसको हम गुना करके लिख देंगे, सबको जो आप गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा आपका 420। तो एचसीएफ आपका निकल गया 3 और एलसीएम निकल गया 420। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 और 29, तो इनका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 का, तो 17 जो है ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसमें या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 17 से, तो 17 से हम भाग लगाएंगे तो इसका भागफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी हम 23 से भाग लगा सकते हैं या फिर 1 से लगा सकते हैं, तो हमने 23 से लगाया तो भागफल 1 आया। 29 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, 29 भी आपका अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी हम 1 से भाग लगा सकते हैं या फिर 29 से लगा सकते हैं, तो 29 से भाग लगाने पे इसका भागफल कितना आया, 1 आया है, ठीक है। मैंने अभाज्य संख्या के बारे में तो आपको बताया है, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए 17 का हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आया, 17 × 1। 23 का लिखेंगे, 23 का क्या आया, 23 × 1 आया। फिर 29 का लिखेंगे तो 29 का क्या आया, 29 × 1, यानी कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 1, 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं, 1 कॉमन आ रहा है तो 1 को हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच जाता है जो संख्या, उसको भी हम लिखते हैं, तो 17 संख्या बच जाता है उसको भी हम लिखते हैं, तो 17 × 23 × 29, ठीक है। तो इन सब को गुना करके, इन सब को गुना करके कितना आएगा, 11,339, ठीक है। मैंने पहले से इन सबको गुणा करके रखा था ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप इस तरह से इसको गुणा करके, खुद से गुणा करके आप देख सकते हैं, इतना ही आपका आएगा 11,339। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 8, 9 और 25, तो 8 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से संभाल देते हैं, 2 × 8, फिर 2 × 2 = 4, ठीक। फिर 9 का करते हैं तो 3 × 3 = 9, फिर 25 का करते हैं तो 5, 5 = 25। तो 8 का गुणनफल आ गया आपका 2 × 2 × 2, 9 का आ गया 3 × 3 और कितना, 25, 25 का क्या आ गया, 25 का आ गया 5 × 5, ठीक है। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो किसी भी संख्या में कॉमन हो सकता है, ठीक है। 1 आपका ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 का गुणनफल आया है 2 पर पावर 3, 2 3 बार आया है 2 पर पावर 3। 9 का गुणनफल है 3 × 3 यानी 3 पर पावर 2 और 25 का गुणनफल है 5 × 5 यानी 5 पर पावर 2। तो इन सबको हम गुणा करेंगे, इन सबको गुना करके आ जाएगा 1800। ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9 दिया गया है।
एलसीएम मतलब इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने लिख लिया। एफसीएफ आपका ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या है, और इन दोनों संख्या का एफसीएफ कितना दिया गया है 9, और इसी दोनों संख्या का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे, हम चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एच सी एफ गुना एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया उसमें हमने जांच किया था कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है, तो हमने पढ़ा था कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एच सी एफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसलिए एलसीएम, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम ही निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ को हमने क्या किया, बराबर के इस साइड ले आया, तो ये दो संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ अभी गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में बन जाएगा, यानी कि ये नीचे चला आया। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 306 है और 657 है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 9 है, तो 9 से हम 306 को कटा देंगे, तो कटा क्या आ जाएगा आपका 34। अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, 34 और 657 को गुना कर देंगे, करके आएगा आपका 22,338। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि यही हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 22,338। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये चीज आपको जांच करके बताना है। तो 6n संख्या जो है ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। कि 6 पर कोई भी पावर रहेगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसमें 6 का हम कोई भी पावर यहाँ पे लगाते हैं, देखिए 6 है, इस पर हम एक पावर दे दे या फिर दो पावर दे या फिर तीन पावर दे। ठीक है, 6 पर पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 पर दो पावर है तो कितना आ गया, 36 आ गया, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 6 पर पावर 3 दिया तो 6 गुना 6 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाता है, 216 होता है, इसके लास्ट में भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, कि 6 पे हम चाहे कितना भी पावर लगा दें उसका, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, चाहे हम 6 पर पावर 5 लगाएं या फिर 6 पर पावर 6 दे दें या फिर 6 पर पावर 7 दे दें, आप इनमें से किसी को भी गुना करेंगे तो उसके लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, 0 किसके लास्ट में आएगा, वैसी संख्या जिसके की गुणनफल में 2 और 5 रहे। ठीक है, तब उस पर पावर n रहेगा, यानी कि उस पर कुछ भी पावर रहेगा तो उसके गुणनफल के, उसको गुणा करके उसके लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए 6 है, 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का क्या हमने किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो क्या आया, 2 गुना 3। अगर कोई और संख्या रहा था जिसका जिसके गुणनखंड में, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आता और उस पर कोई भी पावर रहता, तब उसके लास्ट में, उसके गुणनफल के लास्ट में 0 आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए 10 है, ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा 2 गुना 5, और इस पर हम कोई भी पावर लगा देते हैं, इस पर हम 2 पावर लगा देते हैं, 2 पावर लगा दिए यानी कि इस पूरे पर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर है यानी 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया 10 का, तो इसमें क्या आया, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है, और इस पर हम कोई भी पावर लगा के देखेंगे तो उसका जो हम गुणनफल करेंगे गुणा करने के बाद, उसके गुणनफल में लास्ट में 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 पर पावर n है और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुना 3 आया है, तो इस पर अगर हम कोई भी पावर लगा दें और इसका हम गुना करें जैसे हमने यहाँ पर किया, तो उसके गुणनफल के लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पर 2 गुना 5 रहता
तो उसके गुणनफल के लास्ट में जीरो आ जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहां पर हम लिखेंगे कोई भी संख्या तो जो शून्य पर समाप्त होती है वह 2×5 पर पावर n के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, लेकिन यहां 6 पर पावर n इक्वल टू 2×3 पर पावर n है। ठीक है, इसलिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7×11×13 प्लस 13 और 7×6×5×4×3×2×1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये सारी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये भाज्य संख्या है या नहीं और भाज्य संख्या क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यही दोनों संख्या दिया गया है इस तरह से। ठीक है, और इसी दोनों के बारे में आपको ये बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 7×11×13 + 13। ठीक है, इसमें भी 13 है, मतलब इधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 और इधर भी 13 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो से हम 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इससे हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या क्या बच गया, 7 बच गया, 7×11×1 होगा। ठीक है, देखिए 13 हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, इसे हमने 13 कॉमन ले लिया, तो गुना आपका क्या बच गया, 1, इसमें 1 बच गया और इस इधर भी 1 बच गया आपका। ठीक, फिर इससे भी हम क्या करेंगे, 5 इसमें भी आप देख सकते हैं, प्लस के साइड भी 5 है और इस साइड भी आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बच जाएगा 7×6, 5 के जगह पे हम 1 लिखेंगे, इसमें 1 बच गया है। उसके बाद हम 4 लिखेंगे, 4×3×2×1 तो है यहाँ पे पहले से, और प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि हमने उसे कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये 13 का तो 13 रह ही जाएगा और इन सबको हम गुना कर देंगे, 11×7 = 77 को 1 से गुना करेंगे 77 ही होगा, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से पहले लिखेंगे 77 और 1। ठीक है, फिर 5×  आपको इन सबको हम गुना करेंगे, 7×6×1×4×3×2×1 इन सबको गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, और प्लस उसमें हम कर देंगे 1, तो ये हो गया आपका 13। यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 77 + 1 = 78 हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये 5×1008 + 1 कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में 1 के अलावा भी 2 गुणनखंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों संख्याओं में एक के अलावा 2 गुणनखंड है, इसलिए दोनों संख्या क्या है, इसलिए दोनों संख्या भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक खेल का मैदान है। खेल का मैदान कैसा है? ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, खेल का मैदान कैसा है? वृत्ताकार है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को ये सोनिया है, यहाँ लिख देते हैं सोनिया को कितना मिनट लगता है? यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से एक चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, इस तरह से ये चलती जाती है, इस तरह से चलती जाती है, फिर चलते चलते इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, मतलब फिर से यहाँ पे आने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगा। ठीक है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए रवि भी यहीं से दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है इसी बिंदु पर से, और उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रवि का नाम, लिख देते हैं यहाँ पे रवि को लगता है 12 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। ये थोड़ा तेज चल रहा होगा, सोनिया स्लो चल रही होगी और रवि फास्ट चल रहा होगा, तभी रवि सोनिया से कम समय में उस मैदान का एक चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन हम इसको बनाना कैसे है? देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, सोनिया यहाँ से मैदान का एक चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है, और इसी बिंदु पर फिर से आने में उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। और रवि इसी बिंदु पर से चलता है और उसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितने टाइम के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि यहीं पर वो दोनों स्थान पर मिलेगा? ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिख लेंगे रवि को लगता है 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। सोनिया को कितना लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 गुना 2, 2 में 4 हो गया, 4 गुना 3 12 हो गया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है, 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पर 2 गुना 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 बार है तो इसके 3 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए, ये 12 है, 12 का गुणनखंड ये आया है 2 पर पावर 2 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए, 2 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन पावर ज़्यादा किसका है? इसका पावर ज़्यादा है, 2 पर पावर 2 है। तो एलसीएम बराबर 2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 भी दोनों में है, लेकिन ज़्यादा पावर किसका है? ज़्यादा पावर इसका है, 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। आप दोनों को गुणा करेंगे, 2 दोनों 4 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। 4 गुना 9 कितना हो गया? 36 हो गया। 36 क्या है? मिनट। 36 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए, जब सोनिया 2 चक्कर लगा के 18 मिनट में अगर एक चक्कर लगाती है, तो 2 चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 36 मिनट में। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगा के यहाँ पे रुकेगी, तब तक में रवि का 3 चक्कर हो जाएगा। 12 + 36 होता है, तो रवि का कितना हो जाएगा? रवि का 3 चक्कर हो जाएगा। सोनिया का 2 चक्कर होगा और रवि का 3 चक्कर होगा, तब जाके दोनों एक ही स्थान पर, इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो यही हो गया आपका आंसर। आपका आंसर रहेगा 36 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 का। होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका
क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।